सन 1805 में बच्चों के लिए कहानियां लिखने वाले दिग्गज हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का जन्म हुआ था। हैंस एंडरसन की कहानियां 125 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं। एंडरसन के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सन 1902 में आज ही के दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज और अपनी ठुमरी से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाले बड़े गुलाम अली खां साहब का जन्म हुआ था। सन 1962 में गुलाम अली खां को संगीत नाटक अकादमी और पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। आज ही के दिन सन 1969 में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक अजय देवगन का जन्म हुआ था। वर्ष 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से अजय ने अपने करियर की शुरुआत की थी। सन 1998 में अजय को फिल्म जख्म और 2002 में फिल्म भगत सिंह के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। हाल ही में अजय देवगन को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। आज एक दिन सन 2005 में पोप जॉन पॉल द्वितीय का निधन हुआ था। पोप जॉन पॉल द्वितीय सबसे लंबे समय तक वेटिकन का सर्वोच्च पद संभालने वाले व्यक्ति थे। 1978 में पोप बने जॉन पॉल द्वितीय पिछले 400 सालों में पोप बनने वाले पहले गैर इतावली नागरिक थे। आज का दिन यानी 2 अप्रैल दुनिया भर में ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में 3 से 7 साल तक के हर 110 में से एक बच्चा इस रोग से ग्रस्त है। भारत में ऑटिज्म के शिकार बच्चों की संख्या 20 लाख है और दुनिया भर में ऑटिज्म के मरीजों की संख्या 1 करोड़ है।